ओए तुम दोनों, मुझे बताओ आखिर यहाँ का सामान गया कहाँ पर? नहीं, हम आखिर वो तुम्हें क्यों बताएं? भाई चलो उसका काम खत्म करें। ज्यादा उछलो मत, तुम्हें लगता है तुम मुझे हरा दोगे? सपने देखना बंद करो, अगर तुमने मुझे वो नहीं बताया तो तुम तो काम से गए। चुप रहो, तुम आखिर कुछ भी कर लो पर हम वो नहीं बताने वाले। और कुछ देर बाद वो सच में ताकतवर थी और हमने तो उसे सब कुछ बता भी दिया। जैसा कि मुझे लगा ही था, उन्होंने बताया कि कोई वो सारा का सारा खजाना लेकर भागना चाहता है, वो भी हमारी शिप के साथ, और मैं उसे ये नहीं करने दूंगी, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो खजाने के साथ हमारी शिप भी चली जाएगी। वैसे उधर क्या चल रहा है? क्या आखिर ये लोग कर क्या रहे हैं? छोड़ो मुझे, क्या ऐसा दिखाती हूँ कि जैसे मैंने कुछ भी नहीं देखा। और इतना कहने के बाद नामी वहां से शिप की तरफ जाने लगी। फिर यहाँ पर ओर्स को दिखाया गया। तुम मुझे कितना भी मार लो पर लास्ट में तुम लोग नहीं बचोगे। दोस्तों वो तो सच में गुस्से में है। तुम सब लोग तो गए काम से, लेकिन एक सेकेंड, मेरा सींग तो फंस चुका है, मैं नहीं हिल सकता। ओ बढ़िया, उसने अभी क्या कहा? उसने बताया कि वो अब कुछ भी नहीं कर सकता। अगर ऐसी ही बात है तो चलो उसे अपनी ताकत दिखाए, क्यों नहीं, ये अच्छा मौका है, चलो चलें। और इसके बाद वो ओर्स की तरफ बढ़ने लगे। तुम्हें नहीं लगता जैसे कोई पिट रहा है? ये आवाज तो ओर्स की है, क्या इसका मतलब वो हार रहा है, वो भी उन बेकार के पायरेट से? पर तभी कुछ देर बाद ओर्स अचानक से खड़ा हो गया। अब तुम सबका बहुत हो गया, ओ नहीं चलो वापस चलें। तुम लोग सच में शैतान हो, ओर्स तुम सबको खत्म कर देगा। दोस्तों क्या कोई प्लान है? जैसा कि मैंने तुम्हें पहले बताया था, उसे हराने का बस एक ही तरीका है, वो है ट्रिक नंबर 15। सब तैयार हो जाओ। फ्रैंकी मैं तुम्हारे साथ हूँ। क्या तुम बिल्कुल पागल हो? ऐसे करके कुछ भी नहीं होने वाला, और तुम चाहते हो कि रॉबिन चैन वो चीज़ करें? बकवास करना बंद करो। ऐसे अगर वो करें तो इसमें कुछ बुराई तो नहीं है? क्या तुमने कुछ कहा? रॉबिन चैन ये तो बस एक मजाक था। सब मेरी बात सुनो, जो तुम कर सकते हो वो करो, हमारे पास वैसे भी ज़्यादा टाइम नहीं है। तो ठीक है मेरे साथ आ जाओ, चौपर उसॉप वही, पर तुम सब पूरे नहीं हो, तुम बस तीन ही हो। शांजी हमें तुम्हारी मदद चाहिए, बस एक बार, अगर तुमने ये कर दिया तो उसका काम खत्म समझो, प्लीज़ हम पर भरोसा करो। अगर ऐसी ही बात है तो ठीक है, मुझे तुम सब पर यकीन है, जाओ और उसकी चटनी बना दो। और शांजी ने उसे ऊपर ओर्स की तरफ फेंक दिया। दोस्तों टाइम आ चुका है स्पेशल रोबोट पायरेट अटैक का, ये लो और लो। तो ये था उनका स्पेशल अटैक? ओए तुम सब आखिर कर क्या रहे हो? मुझे लगा था कि तुम सीरियस थे। दोस्तों टाइम आ चुका है, क्या तुम्हें याद है जब अभी हमने तुम्हें गिराया था तुम कैसे रो रहे थे? तुम बस एक दूध पीते बच्चे हो। क्या कहा तुमने? अब बहुत हो गया, तुम सब मेरे से नहीं बचोगे। और इसके बाद ओर्स ने उन पर बहुत तेजी से हमला कर दिया। वो सब तो बच गए पर ओर्स को ही बहुत तेजी से लग गई, और यही था उनका प्लान। रॉबिन चैन क्या आपने देखा? जैसा कि मैंने उन्हें बताया था उनने बिल्कुल वैसा ही करा। कितना झूठा है ये, तुमने मुझे उल्लू बनाया, तुम ओर से नहीं बचोगे। शायद अब बहुत देर हो गई है, चलो अब इसका काम खत्म करें। ओए रुको, मेरे पास एक प्लान है। वो ठीक है, हम बहुत खेल लिए, सोरो थोड़ी देर मेरी बात तो सुनो। तुम्हें नहीं लगता कि ओर हमें नहीं जानता, लेकिन उसका बोलने और सोचने का तरीका बिल्कुल लूफी जैसा ही है। तुम ठीक हो पर आखिर तुम इससे सोच क्या रहे हो? अगर तुम सोचो कि वो लूफी है तो मतलब कि लूफी की सारी कमजोरियां, क्या तुम समझे? हम समझ गए, चलो उसे करें। ओ उधर देखो, उधर कितना सारा मीट है। क्या मीट है? किधर है मीट? अरे इतना सारा मीट किधर है मीट? वो इधर है गधे। और फिर फ्रैंकी और जोरो ने उस पर एक साथ बहुत तेजी से हमला कर दिया। बढ़िया दोस्तों, हमने उसे लगभग झुका दिया। तुम ठीक हो, जब तक लूफी मौर्या से सारी शैडो वापस ना ले ले, हमें बस इसे उलझा कर रखना है। एक सेकंड, तुमने अभी क्या कहा? तुम चाहते हो कि हम इसके लिए लूफी का इंतज़ार करें? ओए आखिर तुम क्या बोल रहे हो? तुम्हें लगता है कि तुम उसे हरा दोगे?
वो जो भी है, अगर वो लड़ाई करना चाहता है मतलब कि वो मरेगा। सोरो, एक बार सोच लो, तुम उसे नहीं हरा सकते। वो बिल्कुल सही है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि हम उसे नहीं हरा सकते तो भाग जाओ, मैं उस हरे बाल वाले के साथ हूँ। तो ठीक है, फैसला हो गया, तुम वही हो ना, पहले के सबसे ज़्यादा ताकतवर मॉन्स्टर ओर्स। तुम्हें मेरी नई तलवार से मरने में मज़ा आएगा, ये मुझे अभी मिली। मुझे यकीन है कि मेरी तलवार तुम्हारे पास जाकर खुश रहेगी। मुझे वो अभी मिली, बाजामोनो सुसोई। सोरो, तुम वो अकेले नहीं कर सकते, प्लीज़ बात को समझो। फिर यहाँ पर लूफी को दिखाया गया। आखिर वो मौर्या गया कहाँ पर? ओह हाँ, आइडिया, कम कम पिस्टल, लूफी ये कहकर ऊपर की तरफ चला गया। वो रहा, आखिर वो मुझे मिल ही गया। फिर यहाँ पर शिप का सीन दिखाया गया, पीछे से वहाँ पर नामी भी आ गई थी। अगर मैं गलत नहीं हूँ, वो लड़की तो उन पायरेट्स में से है। ओए तुम सब लोग, तुम मेरा खजाना और शिप लेकर नहीं भाग सकते। क्या, तुम्हारा खजाना? ओह ये तो तुम हो, तुम्हें लगता है कि तुम मुझे हरा दोगी? सपने देखना बंद करो, अगर मुझे कोई हरा सकता है तो वो वही है, वो लंबी नाक वाला। क्या, लंबी नाक वाला? तुम्हारा मतलब उसॉप? क्या उसने तुम्हें हरा दिया? तुम ठीक हो, वो सच में ताकतवर है, पर तुम उतनी नहीं हो कि मुझे हरा दो, और अब तुम्हारा काम खत्म। वो सब तो ठीक है, पर तुम्हारे पीछे कौन है? पिरोना सामा, आपके पीछे, प्लीज वहां से भाग जाओ। मेरे पीछे? और उसके पीछे खड़ा हुआ था कुमा। कौन हो तुम, जवाब दो। तुम हिम्मत कहना कि ये वही है। क्या पिरोना सामा उसे जानती है? आखिर ये बंदा है कौन? दोस्तों मजाक साइड में, ये कोई आम बंदा नहीं है, ये है कुमा, सेवन वॉरलॉर्ड में से एक। और ये सब सुनकर वो सब काफ़ी ज़्यादा चौंक गए। नहीं, ये ठीक नहीं है, एक ही आइलैंड पर दो दो वॉरलॉर्ड। मैं बस एक सवाल पूछूंगा, क्या तुम मौर्या के साथी हो? नहीं, वो मैं पहले थी, मैं बस भागने ही वाली थी, पर उससे पहले तुमने मुझे पकड़ लिया। वैसे क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगी? क्या कहा तुमने, मैं तुम्हारे साथ क्यों जाऊँ? वैसे जाना चाहते हो तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पिरोना सामा, आप उसके जाल में मत आओ, प्लीज़ वहाँ से भाग जाओ। तुम सब सही हो, मजाक बहुत हो गया, अगर तुम मेरे रास्ते में आओगे तो तुम नहीं बचोगे, फिर चाहे तुम वॉरलॉर्ड हो या फिर कोई और। और कुमा ने यह सब सुनकर अपनी बुक खोल ली। मुझे इग्नोर करना बंद करो, और अब ये देखो, ये रहा स्पेशल हॉलो अटैक। बढ़िया, अब वो नहीं बचेगा। कुमा ने पिरोना की तरफ देखा, और तभी कुछ हुआ, कुछ ऐसा जिसे देखकर वहाँ मौजूद सब के सब लोग काफ़ी ज़्यादा चौंक गए। मैंने तुमसे बस एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा, अगर तुम बिना लड़े उसका जवाब नहीं दे सकती तो तुम्हें यहाँ रहने का कोई फ़ायदा नहीं। वो आखिर गई कहाँ पर? क्या इसका मतलब उसने उसे गायब कर दिया? दोस्तों ये कोई आम बंदा नहीं है, वो बहुत ज़्यादा डरावना है, जल्दी यहाँ से भागो। और इतना कहने के बाद वो सब वहाँ से चले गए। कुमा ने ऊपर नामी की तरफ देखा। क्या तुम वही हो, मंकी डी लूफी की क्रू मेंबर? मुझे बताओ, क्या लूफी का कोई बड़ा भाई भी है? और इतना कहने के बाद वो अचानक से गायब होकर नामी के पास आ गया। तुम आखिर चाहते क्या हो? हाँ, उसका भाई है, उसका नाम है एस। ओ, मतलब कि ये सब बिल्कुल सच था। क्या तुम इस आइलैंड पर लूफी को पकड़ने आए हो? उमा ये सब सुनकर एक बार फिर से गायब होकर आगे चला गया। मैं जो चाहता हूँ वो करूँगा, और इतना कहने के बाद वो वहाँ से अंदर चला गया। मैं नहीं जानती वो बंदा आखिर है कौन, लेकिन दो दो वॉरलॉर्ड, वो भी एक ही आइलैंड पर, हम लोग फंस चुके हैं। फिर यहाँ पर लूफी को दिखाया गया। आखिर मैंने तुझे पकड़ ही लिया, अब सबकी शैडो वापस कर दे। इसे देखकर उसने एक स्माइल करी, वो असल में मौर्या था ही नहीं। क्या मतलब, ये एक शैडो है, उसने मुझे फिर से उल्लू बना दिया, आखिर वो असली वाला कहाँ पर है?